पर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में ट्रिकी ट्रिक। और आज हम लोग विश्व के और भारत के कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं और वो कहाँ वो प्रकाशन होते हैं, वो बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है, देखा जाता है यहाँ से प्रश्न, और जल्दी आपको इस वीडियो का ट्रिक नहीं मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने कुल 25 पॉइंट्स लिए हैं और इन 25 पॉइंट्स को मैं आप लोगों को आसानी से याद करवाने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पहले लिस्ट में है डेली मिरर, जो कि पड़ता है लंदन में, प्रकाशन होता है, पब्लिश होता है लंदन में, ये लंदन का न्यूज़पेपर है। तो कैसे इसको याद रखिएगा, देखिए इस वर्ड को पकड़िए, यहाँ पे है डेली मिरर। अब डेली मिरर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मिरर है, मिरर हम लोग कहाँ रखते हैं तो दीवार पे लटका रहता है, तो ये जैसे कह रहा है कि डेली मिरर। तो डेली मिरर क्या, तो डेली मिरर दीवार पे लदा रहता है, ना हिलता है ना डोलता है, हम लोग जब छूते हैं तभी हिलता है तभी डोलता है, वरना लदा रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरा ये ट्रिक कि डेली मिरर दीवार पे लदा रहता है, लदा से लंदन। जी हाँ बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने क्या कहा कि डेली मिरर दीवार पे लदा रहता है, लदा से हो गया आपका लंदन। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ली फिगारो। अब ली फिगारो, ठीक है, जो कि है पेरिस का न्यूज़पेपर। अब कैसे याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ पे है गारो, ये देख रहे हो वर्ड, यहाँ पे है गारो, और हम लोग क्या गाड़ते हैं, पेड़ पौधा ही तो गाड़ते हैं, और यहाँ पे देखिए है पेड़। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही आसानी ट्रिक था। यहाँ पे क्या था, ली फिगारो, और गार हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कि फिर गारो, क्या गारो, तो पेड़ गारो, तो पेड़ से हो गया पेरिस और गारो से हो गया लीफी गारो। बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इजवेस्तिया, जो कि पड़ता है मॉस्को में, मतलब ये न्यूज़पेपर का नाम है इजवेस्तिया, जो कि प्रकाशन होता है, पब्लिश्ड होता है मॉस्को में। तो चलिए इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए इजवेस्तिया में हम लोग ले लेते हैं अस्तिया। अस्तिया मतलब क्या होता है, हड्डी, हड्डी होता है ना, अस्थियाँ बोलते हैं कि अस्थियाँ हैं, तो हड्डी, तो इजवेस्तिया में हम लोग ले क्या ले लिए, अस्थियाँ। और अस्थियाँ जो हड्डी जो होता है वो कहाँ होता है, वो मांस के बीच की बीच में ही तो होता है। अब सभी को पता है कि हड्डी जब आप पकड़ेंगे तो उसे उसके ऊपर क्या रहता है, हमारा मांस ही तो रहता है, मांस मतलब चमड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी आसानी से आपको याद रहेगा कि इजवेस्तिया में मैंने वर्ड पकड़ा वेस्तिया, ठीक है, इजवेस्तिया में मैंने वर्ड पकड़ा वेस्तिया, और इजवेस्तिया में मैंने वर्ड पकड़ा अस्थियाँ, और अस्थियाँ क्या होता है, हड्डी, और हड्डी कहाँ रहता है, मांस के बीच, तो मांस को, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉन, और ये भी देखिए बहुत इजी है कि डॉन, डॉन सारे डॉन कहाँ हैं, पाकिस्तानी में तो हैं, सारे वहीं से उत्पात होते हैं, तो पाकिस्तान में ही तो एक शहर मिलेगा आपको, क्या है, कराची। तो ये भी आसानी से याद होएगा कि सारे डॉन, सारे टेररिस्ट कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से, तो ये कराची, डॉन, डॉन कराची, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला है हमारा 5 नंबर, द आयरलैंड, क्या है, द आईलैंड है, सॉरी द आईलैंड, जो कि है जो ये, और ये न्यूज़पेपर कहाँ होता है, कहाँ पब्लिश होता है, तो वो है कोलंबो में, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे वर्ड हम लोग लेंगे आई, क्या वर्ड लेंगे, आई, ये मैंने लिया आई, और सभी को पता है कि आँख का रंग कैसा होता है, तो आप लोग बोल देंगे कोल की तरह होता है, मतलब कोयले की तरह काला होता है, कोल की तरह, तो हम हमारा वर्ड बन गया कोलम्बो, कोल की तरह, और लंबा भी होता है, देखिए यहाँ पे लंबा भी वर्ड आ गया हम लोग का कोलम्बो। तो कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे हमने वर्ड क्या पकड़ा, आई, ठीक है, दक्षिण, द आइलैंड का, ठीक है, द आइलैंड कहाँ का न्यूज़पेपर है, कोलम्बो, कैसे हम लोग ने याद रखा कि आइलैंड, आई पकड़ा उधर से, और आई क्या होता है, कोयले की तरह काला होता है, तो कोल काला एक ही बात है, कोल, और लंबा भी होता है, बड़ा होता है, तो लंबा, कोलंबा, ठीक है, आई क्या है, लंबा, कोलंबा। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न सन, और ये देखिए ये भी बहुत आसानी से आप लोगों को याद होगा कि सब में ईस्टर्न, एन का साउंड आ रहा है, एन, सन, एन का, और सिंगापुर, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपकी सन जो है, किसी का सन है, किसी का बेटा है, वो क्या है, अच्छा सिंगर है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सन जो है वो अच्छा सिंगर है, तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है अल अहरम, क्या है, अल अहरम, और जो कि पड़ता है काहिरा में, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए अब
अहरम को ले लीजिए, ऑल पूरे इसको ले लीजिए कि ऑल, अच्छा ये नहीं लेके ये लीजिए कि अहरम है ना और ये काहिरा, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए हर, बीच में दिख रहा है आपको, हर आम आम, हर आम आदमी के पास हीरा नहीं होता। ठीक है, क्या याद रखिएगा कि हर आम आदमी हीरा नहीं खरीद सकता। भाई सच्चाई तो है, हीरा इतना महंगा होता है, हर एक आम आदमी कैसे खरीद सकता है, जिसके पास पैसा होगा वही हीरे की अंगूठी ये सब पहनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि ऑल आम आदमी, ऑल मतलब हर, हर ऑल एक ही वर्ड है हिंदी इंग्लिश, आम आदमी अहरम, आम आदमी हीरा नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको याद होगा कि ऑल ऑल हर, ठीक है, ऑल अलहरम कहाँ का है, काहिरा का, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे हर ले लिए, हर आम आदमी आम, तो ये देखिए हर अहरम हर आम एक ही जैसा ऑर्डर है, ऑल अहरम काहिरा। दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, मेरा गारंटी है, दूसरी बार वीडियो आप देख लीजिएगा और फिर से खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप वीडियो पे अगर आप लोग को अच्छा लगे और आपको सही में लगे कि इफ़ेक्टिव है तो आप खुद कमेंट करिएगा, खुद बताइएगा कि हाँ आपने जो कहा था वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा मार्डेका और ये है जकार्ता। अब कोई आदमी है किसी से खुन्नस से निकालना चाहता है, जैसे क्रिमिनल होते हैं जो ये लेते हैं सुपारी लेते हैं किसी के नाम के, तो क्या बोलते हैं कि जा कार से मार दे, तो पूछता है मार दे का, ये देखिए मार दे का, सच्ची बोलो मार दे का, बोले हाँ मार दो, जा कार से मार दो, जा कार से मतलब कार से जा और उसको मार दो, ठोकर मार दो, पक्का मार दे ना, तो बोले हाँ, तो क्या बोल रहा है कि मार दे का, हाँ हाँ मार दे मार दे, जा कार से मार दे, तो मार दे का जकार्ता, आसानी से याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा देखिए, अच्छा ऐसे कुछ वर्ड भी आएंगे जिन्हें ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के नाम से उन्हीं का ये है। अब देखिए वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर कहाँ पे होता है, तो वाशिंगटन में होता है, तो ये याद रहेगा सभी को। फिर है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दी हिंदू, अब दी हिंदू है चेन्नई में। अब देखिए अब हम लोग जो हैं वो जो जो भी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी यंग हैं इंडिया के लड़के लोग, जो भी जितने भी आप लोग देख रहे हैं सब आप ये करते हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग सब हिंदू हैं और हिंदुओं के पास कभी चैन रहता है नहीं ना, बेचैन रहते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है तो बेचैन रहते हैं, तो हिंदुओं के पास दी हिंदुओं के पास क्या नहीं है, चैन नहीं है, चैन है ही नहीं, बेचैन रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को आसानी से याद रहेगा कि हिंदुओं के पास, हिंदुस्तानियों के पास चैन नहीं रहता है, तो चैन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टार जो कि है जोहान्सबर्ग। अब ये भी अब देखिएगा कहीं पे भी पूरी ट्रिक में भी आपको कोई भी आलतू फालतू ट्रिक नहीं मिलेगी, एकदम सॉलिड और कोरिलेटेड, लेकिन कुछ कुछ है दोस्तों, कुछ कुछ ट्रिक मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को ये हिट करे जब आप एग्ज़ाम देने बैठे। देखिए अब स्टार है, स्टार क्या होते हैं, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, वो क्या करते हैं, नहीं आप ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए स्टार है और ये जोहान्सबर्ग, अब मान लीजिए कोई मास्टर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट लोग होते हैं ना पीछे बैठ के हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो मास्टर डिस्टर्ब होता है, तो एक बार वार्निंग देता है, दो बार वार्निंग देता है, तो तीसरी बार क्या कहता है देखिए, अब बोलता है कि अब जो हंसा, क्या बोलता है मास्टर, अब जो हंसा उसको सटाक से मारेंगे, क्या बोलता है मास्टर, ध्यान से सुनिएगा कि अब जो हंसा जोहान्स, अब जो हंसा उसको सटाक से मारेंगे। मैंने आर की जगह सिर्फ के ले लिया स्टार का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा कि क्या कहा मास्टर ने, कि अब जो हंसा उसको सटाक से मारेंगे, तो सटार जोहान्सबर्ग मारेंगे। ठीक है, जो हंसेगा उसको सटाक से मारेंगे, कौन मास्टर जी, तो अब जो हंसा उसको सटाक से मारेंगे, जोहान्सबर्ग स्टार। नेक्स्ट देखिए मैनेची सिम्बुन जो कि है टोक्यो। अब देखिए कोई बच्चा होता है कभी कभार, तो बच्चा क्या कर रहा है अपने भाई से कि भैया मैंने साबुन से नहाया, देख रहे हैं मैंने, तो ची मैंने छोड़ दिया, मैंने
और सिम्बून थोड़ा थोड़ा साबुन जैसा आ रहा है ना, साबुन, ठीक है, साबुन बोलते हैं हिंदी में। तो उसने क्या कहा अपने भाई से, कहा, बच्चे लोग होते हैं ना, बोलते हैं भैया मैंने ना साबुन से नहाया, तो भैया बड़ा रूठ, क्या बोलता है, तो क्या हुआ, क्या बोलता है, तो क्या हुआ, हम भी नहाते हैं। तो बच्चा नाराज़ हो गया, लेकिन खैर जाने दीजिए, हम लोग का तो ट्रिक तो बन गया, हम लोग को याद हो चुका है। मैंने क्या कहा कि एक बच्चा क्या बोलता है अपने भाई से, बोलता है कि भैया भैया मैंने मैंने साबुन से नहाया, सिम्बुन, साबुन से नहाया, तो भैया रूठ होके क्या बोलता है, तो क्या हुआ, टोकिया, तो क्या हुआ, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा, साबुन, मैंने, भैया मैंने साबुन से नहाया, तो भैया बोलता है तो क्या हुआ, तो टोकियो, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए गार्डियन लंदन और ये डेली मेल लंदन, ठीक है। आप देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, अब देखिए आप कोई माँ कोई गार्डनर है, कोई भी जैसे हम लोग रखते हैं ना माली, तो माली को बोलते हैं कि ये गार्डन को आज काट देना, इसके जितने भी घास हैं बड़े बड़े काट देना, ठीक है, गार्डियन, गार्डन को काट देना, तो माली क्या बोलता है, ओके डन, पढ़ा लिखा है, बोलता है ओके डन, देखिए लन डन, ठीक है। तो गार्डियन क्या बोलता है कि मालिक बोलता है कि सुनो माली आज इस मेरे गार्डन को अच्छे से काट देना, जितने भी बड़े बड़े घास है काट देना, गार्डियन है ना यहाँ पे, ये देखिए गार्डियन, गार्डन को काट देना, तो मालिक क्या बोलता है, पढ़ा लिखा माली, ओके डन सर, क्या बोलता है, ओके डन, डन लंदन, आसानी से याद रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेली मेल। अब देखिए इसको भी कैसे याद रखेंगे हम लोग कि डेली मेल, अब मेल मान लीजिए अब ये कोई लोन ले लेगा, जैसे हो सकता है ना कि बहुत जन लोन लेते हैं तो उसको कंपनी नहीं उसके पास पहुंच पाती है, तो उसको मेल करती है कि आप अपना लोन भरिए, ये करिए। तो अब देखिए एक आदमी ऐसा ही है कि लोन ले लिया, तो उसको डेली मेल आता है, ये देखिए डेली मेल आता है किस चीज़ का, कि अपने लोन को देकर डन करें, क्या करें, अपने लोन को देकर डन करें, ठीक है, क्योंकि आपने जो लोन लिया वो आप जमा नहीं कर रहे, इसलिए हमें मेल करना पड़ रहा है। तो डेली मेल कर रहा है कौन कर रहा है, बैंक कर रहे हैं, क्या डेली मेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने लोन को देकर डन करिए, तो लंदन, ठीक है, ये भी नहीं भूलिएगा कभी, आसानी से याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रावदा, ठीक है, और जो कि है मास्को। अब देखिए आप प्रावदा से ले लीजिए पाव, पावदा, ठीक है, ये देखिए पावदा, ठीक है, क्योंकि मैंने रा नहीं लिया, अदा नहीं लिया, ये देखिए पाव, अब पाँव, पाँव के अब मांस तो कहीं भी रहेगा ना भाई, मांस पाँव में रहता है, मांस ये भी में रहता है, और ऊपर हम लोग ने क्या याद किया था कि इजवेस्तिया था ना, तो उसमें हम लोग ने लिया था अस्थियाँ, और अस्थियाँ कहाँ रहता है, हड्डी, हड्डी जो होता है कहाँ रहता है, मांस के बीच में, तो वो भी मॉस्को, और ये पावदा, पाँव में भी क्या रहता है, मांस रहता है, तो मास्को, पावदा या पाँव को दाव, ठीक है, तो मांस पहले ही दबाता है, पाँव को अगर किसी को बोलिएगा कि पाँव को दाव, मतलब प्रावधा है ना, पाँव को दाब, मतलब पाँव को दाब, दो दर्द कर रहा है, तो सबसे पहले क्या दबाएगा, मांस दबाएगा कि नहीं दबाएगा, मांस, तो इसे याद रखिएगा मास्को। नेक्स्ट है हमारा डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ये भी देखिए बहुत आसानी से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ कुछ बनाना नहीं पड़ेगा ट्रिक, तो देखिए यहाँ पे डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। फिर है देखिए इंडिपेंडेंट और लंदन, अब देखिए इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो बलशाली हो, उसके अंदर सक्षम हो कोई भी चीज़ करने का, हर एक चीज़ उठाने का, उसको पूरा करने का, तो वही तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इंडिपेंडेंट से कैसे याद रखेंगे लंदन, अब देखिए अब मान लीजिए जो लोन लेता है और वो भागता है बिना जमा किए, तो उसे डेली मेल होता है, अब जो मतलब टाइम से दे देगा, जो खुद पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद पे डिपेंडेंट है, वो क्या करेगा, वो तो लोन टाइम से डन कर देगा, दे करके, तो उसको मेल आएगा ही नहीं, तो डिपेंडेंट क्या करता है, लोन को डन कर देता है दे करके, ठीक है, और जो नहीं करता उसको क्या आता है, डेली मेल, ठीक है, ये आसानी से याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ पे अगला है हमारा पीपुल्स डेली, अब देखिए ये भी बहुत आसानी से याद रहेगा, पीपुल्स डेली क्या रहता है, बिजी रहते हैं, जाहिर सी बात है, पीपुल्स डेली क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो बीजिंग। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल टाइम्स, अब देखिए फाइनेंशियल टाइम्स जिसका ख़राब रहेगा उसी को तो लोन लेना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स जिसका फाइनेंशियल ख़राब होगा वो क्या करेगा, लोन लेके भी काम करेगा,
ठीक है, तो फाइनेंशियल टाइम्स किससे रिलेटेड है, लोन से, तो ये भी आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं ये भी देख लेते हैं, मिलो लास्ट पॉइंट कुछ हैं। अब है हमारा नेक्स्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अब ये भी देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क एक ही बात है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी देखिए बांग्लादेश एब्जॉर्वर, ढाका, सबको पता है ढाका बांग्लादेश में ही पड़ता है। फिर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी भारत में, जाहिर सी बता दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया सभी को पता है। फिर है देखिए खलीज टाइम्स दुबई, अब इसको कैसे याद रखिएगा। अब देखिए खलीज में मैंने ले लिया वर्ड लीज, और बहुत जन को पता है कि लीज इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उधार पे लेना। तो कोई पूछ रहा है कि तुमने लीज पे लिया, ठीक है, तुमने लीज पे लिया, तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं क्यों लीज पे लूँगा, मैंने इसे दो में बाई किया है, मतलब दो रुपये में बाई किया है। देखिए दो बाई, मैंने इसे कितने में बाई किया है, दो में बाई किया है। तो वो पूछ रहा है, अच्छा अच्छा नहीं नहीं मैंने समझा कि लीज पे लिए हो, बोले नहीं नहीं लीज पे क्यों लेंगे। तो ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते थे, क्या याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग ने कोरिलेट कर दिया, क्या कि लीज पे लिए हो क्या, खलीज मतलब खरीदे हो लीज पे, नहीं नहीं लीज पे क्यों लेंगे भाई, हम लोग ने क्या लिया, दो में बाय किया, मतलब दो रुपये में बाय किया। तो आसानी से ये भी कोरिलेट हो गया और नहीं भूलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ला रिपब्लिका, जो कि न्यूज़पेपर है रोम का, अब इसको कैसे याद रखिए। देखिए रिपब्लिका में हमें एक वर्ड मिल रहा है बली, बली मिल रहा है ना, बली का, बली, बली किसका देते हैं, बकरी का, ठीक है, बली किसका देते हैं, बकरी का। तो ला रिपब्लिका, बली किसका देते हैं, बकरी का। और जैसे ही बकरी को बली देने जाते हैं तो क्या होता है, बकरी का रोम रोम डर जाता है, लेकिन फिर भी काट देते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा कि ला रिपब्लिका से हम लोग को या को रिलेट किए थे हम लोग ने बली, और बली किसका दिया जाता है, तो बकरी का। और जैसे ही बली देते हैं बकरी का रोम रोम क्या होता है, रोम रोम डर जाता है, ठीक है। चलिए अब ये हमारे लिस्ट का आखिरी पॉइंट है, ठीक है, जो कि है ला मंद, और ये पड़ता है पेरिस में, और ये पेरिस का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया, क्योंकि एक तो आपके लिए छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो एक आप लोग ट्रिक बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे का हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसका प्लीज़ इसका रखिएगा कमेंट और बताइएगा, और पसंद आएगा तो मैं ऊपर रखूँगा आपका ट्रिक और सभी का हेल्प हो सके। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने कवर किए हैं, आप लोग को आसानी से याद हो चुके हैं ये सारे पॉइंट्स, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 100% आप लोग को याद हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोग को ये चैनल और ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।